खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 9 महीने बाद 12 जून के दिन सुख संपत्ति धन दौलत और ऐश्वर्य के कारक माने जाने वाले शुक्रदेव महापरिवर्तन कर रहे हैं। और जैसे ही शुक्रदेव का गोचर होगा, चार राशि वाले लोगों की किस्मत अचानक से बदल जाएगी। चार राशियों का भाग्य उदय होगा। नौकरी व्यापार आर्थिक स्थिति घर परिवार सुख समृद्धि सौंदर्य ऐश्वर्य हर एक चीज में 12 जून के बाद से ही बढ़ोतरी होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां और साथ ही धन प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सभी 9 ग्रह एक निश्चित समय अवधि पर गोचर करते रहते हैं, यानी कि सभी ग्रह एक समय के बाद एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। दोस्तों, 12 जून 2024 की शाम को 6:15 पर शुक्रदेव अपनी वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही शुक्रदेव का गोचर होगा, उसके बाद कई राशि वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। और आप सभी को पता होगा कि 100 साल बाद सूर्य शुक्र और बुध देव तीनों ही आपस में मिलन करने वाले हैं, त्रिग्रही महासंयोग भी बना रहे हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शुक्रदेव के गोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का की कु बड़ा ग छ के को और ह से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू किरण कमलेश कोमल, इस तरह से के अक्षर से जिनका भी नाम होता है ना, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, पूरे 9 महीने के बाद मिथुन राशि के अंतर्गत शुक्रदेव अब प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 जून के दिन शुक्रदेव मिथुन राशि के लग्न भाव पर प्रवेश करेंगे। ऐसे में आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में धन का लाभ मिलेगा, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा शुक्रदेव आपकी राशि के 5वें और 12वें घर के स्वामी भी है। ऐसे में संतान से जुड़ा कोई भी अच्छा या शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। धन की बचत करने में आप सफल होंगे। जो भी शादीशुदा है मैरिड है ना, उनका वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। और साथ ही जो भी कुंवारे हैं अविवाहित है, उनका विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। शुक्रदेव का बदलाव होने के बाद मिथुन राशि वाले लोगों की पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप दूसरे लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। लंबे समय से जो भी कार्य आपके रुके हुए थे वो अब धीरे धीरे वापस से शुरू होने लगेंगे। आप नई गाड़ी मकान आदि चीजें खरीद सकते हैं। जो व्यक्ति अपना खुद का व्यापार करते हैं ना, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। संतान से भी अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और वो आपसे प्रेम करेगी। शुक्रदेव के गोचर करने के बाद विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती है। जो भी व्यक्ति विदेश में जाकर नौकरी करने या व्यापार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या विदेश से आप धन कमाना चाहते हैं ना, दोनों ही परिस्थिति में समय आपके लिए अच्छा और शुभ रहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके प्रेम संबंधों में पहले की तुलना में और भी मधुरता बनेगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को और ज्यादा वक्त देंगे और आपका रिश्ता और भी ज्यादा प्रगाढ़ रहेगा। आगे जाकर आपका जो प्रेम संबंध है वो प्रेम विवाह में भी तब्दील हो सकता है। चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के महागोचर के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ ज दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्रदेव का गोचर और त्रिग्रही महासंयोग बनना काफी अच्छा और अनुकूल सिद्ध होगा। एक तो यह गोचर आपकी राशि के 6वें भाव में बन रहा है। ऐसे में आप लोगों को व्यापार या आर्थिक स्थिति से जुड़ा कोई भी अच्छा या शुभ समाचार प्राप्त होगा। जो भी दंपति है नव विवाहित है जिनका अभी हाल ही में विवाह हुआ है, अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो आपको इससे जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस वक्त आपका जो ध्यान है वो धार्मिक कार्यों में ज्यादा रहेगा। मन चाहे सफलता प्राप्त होने से आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। अगर आपका कोई भी प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें भी सफलता आप ही के पक्ष में बनी हुई है। माता लक्ष्मी जी और भगवान शुक्रदेव के आशीर्वाद से मीन राशि वाले लोगों की चांदी ही चांदी होने वाली है। नौकरी करने वाले या जॉब करने वाले लोगों को जून में प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी। कोई भी अच्छा या बड़ा पद आपका इंतजार कर रहा है जो आपको जून या जुलाई महीने में बड़ी महत्वपूर्ण खुशी देने वाला रहेगा। अगर आप शेयर मार्केट सट्टा लोटरी आदि चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा और अनुकूल बनने जा रहा है। शुक्रदेव के गोचर करने से मीन राशि वाले लोगों के घर में लंबे समय से अगर कोई भी आर्थिक तंगी दरिद्रता गरीबी जैसी कोई भी समस्या चल रही थी वो भी अब धीरे धीरे 2-4 महीनों में खत्म होगी। घर में इनकम होना शुरू होगी और साथ ही नए नए माध्यम से आप पैसा कमा पाएंगे, धन की बचत भी करेंगे।
चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के महाबदलाव के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुँच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब हो, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किस में आपको ज्यादा तरक्की ज्यादा सफलता प्राप्त होगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, कुंडली के अनुसार सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, किस विभाग में किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं परेशान हो चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शुक्रदेव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्रदेव का राशि परिवर्तन करना काफी अच्छा और शुभ फलदायी सिद्ध होगा। एक तो भगवान शुक्रदेव आपकी राशि के नवे घर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में इस दौरान आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है, आप अपने जीवन में पहले की तुलना में ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, परिवार के लोगों के साथ आप घूमने फिरने की यात्राओं पर भी जाएंगे और साथ ही अगर आप विद्यार्थी है और लंबे समय से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, यानी कि सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको उस परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है, कहीं से भी रुका हुआ धन वापस से आपको मिलेगा, आपके जीवन में तरक्की प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। दोस्तों, शुक्रदेव का गोचर होते ही तुला राशि वाले लोगों को व्यापार में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लंबे समय से जहां आप अपनी दुकान पर ग्राहकों का इंतजार करते थे लेकिन अब जून जुलाई से आपको खाना खाने तक का समय नहीं मिलेगा, आप पूरे साल का जो अपना प्रॉफिट का टारगेट है वो मात्र 3 महीने में ही पूर्ण कर पाएंगे। शुक्रदेव परिवर्तन होने के तुरंत बाद से ही आपको अपने व्यापार में काफी अच्छा और शानदार परिवर्तन देखने को मिलेगा। लंबे समय से जो भी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे, परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सुख और समृद्धि आएगी, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और व्यापार के क्षेत्र में धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के महागोचर के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू
ध फ ढ और भे से शुरू होता है उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी शुक्रदेव का गोचर काफी अच्छा और लाभप्रद साबित होने वाला है, क्योंकि एक तो ये गोचर आपकी राशि के इनकम के भाव में होने जा रहा है। ऐसे में इस दौरान आप लोगों की इनकम में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। इनकम के नए नए माध्यम से आप धन कमाने में सफल बनेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की होने के योग बन रहे हैं। आप लोगों का भाग्य उदय होगा। नौकरी में भी आपको प्रमोशन हासिल होगा और साथ ही आर्थिक रूप से उन्नति के कई अवसर बन रहे हैं। अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उससे भी लाभ होने के योग बनेंगे। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी या कोई भी ऑनलाइन व्यापार आप करते हैं, हर एक परिस्थिति में शुक्रदेव का बदलाव करना आप लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत करेगा। शुक्रदेव का संबंध ऐश्वर्य से भी माना जाता है। ऐसे में आप लोग अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता पाने में नए नए अवसर देखेंगे। घर में कोई भी महंगी या कीमती चीजों की आप खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि धर्म पत्नी के लिए ज्वेलरी खरीद ली, घर में कोई महत्वपूर्ण बड़ी चीज मान लीजिए आपने एसी खरीद लिया या दोस्तों वॉशिंग मशीन खरीद लिया, कोई भी बड़ी और कीमती चीज खरीदने का योग बन रहा है। आर्थिक क्षेत्र में तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आर्थिक जो लंबे समय से कोई भी परेशानियां चल रही थी, धन संबंधी अगर कोई भी दिक्कतें चल रही थी ना, वो भी धीरे धीरे दूर होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शुक्रदेव के महागोचर से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शुक्रदेवाय नमः।